निर्गमन अध्याय छे। निर्गमन अध्याय छे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूंगा, और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालने आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। और ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि इसराइलियों को अपने देश में से निकाल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। और यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं: इसराइल के जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्त्रोन और कर्मी थे, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। और शिमून के पुत्र यमुएल, यामिन, ओहद, याकिन और सोहर थे। और एक कनानी स्त्री का बेटा शाउल भी था, इन्हीं से शिमून के कुल निकले। और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है उनके नाम ये है, अर्थात गेरशोन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। गेरशोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला लिबनी और शिमी थे। और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल थे। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और मरारी के पुत्र महली और मूशी थे। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली यही है। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेत को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और इसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। और उज्जियल के पुत्र मिशाएल, एलसापन और सित्री थे। और हारून ने अम्मीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलिशेबा को ब्याह लिया और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और इतमार उत्पन्न हुए। और कोरह के पुत्र असिर, एलकाना और अबियासाप थे। और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। और हारून के पुत्र एलाजार ने पुतियेल की एक बेटी को ब्याह लिया और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ, जिससे उसका कुल चला।
लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही है। हारून और मूसा वही है जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी कि इसराइलियों को दलदल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आए। ये वही मूसा और हारून है जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही कि मैं तो यहोवा हूं, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना, और मूसा ने यहोवा का उत्तर दिया और कि मैं तो बोलने में भद्दा हूं और फिरौन क्योंकर मेरी सुनेगा।